दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको इंडियंस एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो है इस चैप्टर में बताऊंगा। ये मेरा तीसरा या चौथा वीडियो होगा जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो न्यायालय के सामने प्रूफ नहीं किए जाते। न्यायालय के सामने कौन कौन से ऐसे फैक्ट यानी तथ्य हैं जिसको कि प्रूफ करना जरूरी नहीं है, आपको वो फैक्ट जो है वो प्रूफ नहीं करना होता है। तो फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ये चैप्टर है आपका तीसरा। और ये चैप्टर कहता है कि ऐसे फैक्ट जो न्यायालय के सामने में प्रूफ नहीं किए जाएंगे, तथ्य जिसको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसमें तीन सेक्शन मूल रूप से दिए गए हैं, इन तीन सेक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो 56 जो सेक्शन है वो कहता है कि फैक्ट जुडिशरी नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। मतलब ऐसा न्यायिक रूप से जो भी नोटिसेबल नोटिस किया गया जो फैक्ट होगा, जुडिशियल नोटिस जो होगा उसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। जुडिशियल नोटिस को न्यायिक अवेक्षा अवेक्षा इसको कहा जाता है हिंदी में। मतलब कि जुडिशियल नोटिस कोई भी ऐसा जुडिशियल नोटिस जो है जिसको कि आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 56 कहती है कि तथ्य, कोई भी ऐसा तथ्य, कोई तथ्य जो न्यायालय की स्वयं की जानकारी में होती है वैसे तथ्य ही क्या कहलाते हैं, वैसे तथ्य ही न्यायिक अवेक्षा कहलाते हैं, जुडिशियल नोटिस कहलाते हैं, जो कि न्यायालय के स्वयं जानकारी में होता है। तो ऐसी जो भी जानकारी में चीज़ें जो न्यायालय की जानकारी में पहले से है, आप उसे कैसे प्रूफ करिए, इस बात को इसमें देखना है कि जो न्यायालय की जानकारी में पहले से है उसे आपको प्रूफ करने की क्या आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा नोटिस या दो पक्षों के बीच जो है वो विवाद हुआ है, उसमें जैसे मान लीजिए कि ए ने ए के कार के द्वारा जो है बी का एक्सीडेंट हो गया, और वहाँ पर जब ये एक्सीडेंट होता है तो ए के कार के द्वारा जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें बोला जाता है, बाद में जब नोटिस दिया जाता है जुडिशियली कि आप जो है आपको इतना हर्जाना देना पड़ेगा, तो इसमें बी वाला जो पक्ष है उसके उसे ये प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर वो जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति वहाँ पर है उस व्यक्ति को कार का ओनरशिप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट को ये पता चल गया है इसके द्वारा हुआ है। कोर्ट जब उसके ऊपर ये बता दिया कि नहीं आपको इतना हर्जाना देना पड़ेगा, ऑर्डर पास कर दिया या कोर्ट रिलीज कर दिया जाता है कि इनके गाड़ी को रिलीज कर दो, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ये एडमिट कर लेता है कि ऑनर जो है वो यही, इस गाड़ी के ऑनर जो है वो यही है यहाँ पर। तो इन कुछ ये कुछ बारीकियां हैं जिसके जिसको जो है समझना जरूरी होता है इसमें। तो न्यायिक रूप से जो जुडिशियल नोटिस होते हैं उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जिन तथ्यों को न्यायालय के सामने में नोटिस जो भी इस तरह के भाग होंगे उसको आपको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी पक्षकार इसे प्रमाणित नहीं करेगा। दूसरा आता है 57 यानी 57, और ये क्या कहता है, इसमें महत्वपूर्ण बहुत सारे फैक्ट इसमें है, महत्वपूर्ण फैक्ट ऑफ विच कोर्ट्स मस्ट टेकन जुडिशियली नोटिस। मतलब कुछ ऐसे तथ्य हैं, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। यहाँ पर ये न्यायालय की जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पर कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि जिसको स्वयं ही न्यायालय को ये पता रहना चाहिए, जिसके लिए आपको उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें कि कुल मिलाकर इसमें कौन कौन सी बातों को, जिसमें कुल 13 बातों को ध्यान में रखा गया जो कि न्यायालय को पता होना चाहिए, जो न्यायालय है उनको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, इसमें से बहुत सारे हैं तो उसमें से उदाहरण के रूप में, सरकार के द्वारा घोषित किया गया कोई ऐसा कानून या न्याय, क्या कहते हैं, न्याय कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई दिया गया जजमेंट, ये न्यायालय को पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। कोई क्या कहते हैं ऐसा, जैसे कि मान लीजिए कि वर्ल्ड का एक मैप है,
उस मैप में इंडिया जो है यहाँ पर है, इस भौगोलिक स्थिति इंडिया की ये है, जिसे पक्षकार को प्रमाणित करने की, हमें प्रमाणित करने की न्यायालय के सामने में कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रमाणिक चीज़ है तो इसको आपको प्रमाणित नहीं करना, ये न्यायालय को स्वतः ज्ञान में ये चीज़ है, इसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सरकार जो है प्रभु होता है, उसमें राष्ट्रीय ध्वज को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है आपको। उपाधियों को नहीं बताना है कि ये सारी उपाधियां हैं, ऐसे 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 इसको ये कहते हैं ऐसे, ये सारा कुछ भी जो है आपको न्यायालय के सामने में प्रूफ करने का आवश्यकता नहीं है। न्यायालय स्वतः ये ज्ञान में न्यायालय को है। एक और बातें जो सेक्शन 56 में है, जैसे कि कुछ ऐसे सेक्शंस आप ये बता सकते हैं कि ये सेक्शन है, आप नोटिस आप अगर कुछ ऐसे दिखाते हैं तो उसमें ये बता सकते हैं कि इतना 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 ये दिया गया है। तो यहाँ पर स्वयं वो न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है वहाँ पर, और वह स्वतः ज्ञान में उनको ये बातें रहती है कि कौन कौन सी बातें जो है आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं। न्यायालय को स्वतः ये पता ही होना चाहिए कि इन सब चीज़ों में हमको प्रमाणित, हम जो है इसके लिए पक्षकार को प्रमाणित करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। मतलब न्यायालय के स्वतः ज्ञान में ये बातें है, एक तरह से मोटा मोटी ये समझ सकते हैं। इसलिए वो दिया फैक्ट ऑफ विच कोर्ट्स मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। ये सभी सब के सब जो है वो क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि तथ्य जो है वो न्यायिक नोटिस इसको लेना होगा। न्यायालय को स्वतः संज्ञान में ये सारी चीज़ें लेना होता है, ये स्वतः उनको पता रहता है। इसमें कुछ कुछ ऐसे फैक्टर, जैसे मान ली भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के युद्ध की नियमावली, इसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध की नियमावली क्या है ये न्यायालय को स्वतः पता है पहले से कि युद्ध की नियमावली क्या है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में जो भाग है, हमारा भारतीय संविधान की जो भाग है, संसद के द्वारा कानून बनाया गया जो चीज़ें हैं वो सभी प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से कुल आपको इसमें जो है वो 13 इसके पार्ट्स बांटे गए हैं, क्या चीज़ न्यायालय को पता है नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में। और ये एक तरह से कह सकते हैं इसको समझना आवश्यक है, लेकिन मेन के एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मेन के एग्ज़ाम में पूछे जाए। अब आपका सवाल आता है इसमें कि 58 जो है सेक्शन जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है कि 58 सेक्शन क्या कहता है। 58 सेक्शन जो है वो कहता है फैक्ट एडमिटेड नॉट बी प्रूव्ड, मतलब ऐसा फैक्ट जिसको कि एडमिटेड है, मतलब कि स्वीकृत किया गया ऐसा फैक्ट जो होगा, जो भी तथ्य स्वीकृत किया गया है उसे किसी पक्षकार को, एक पक्षकार अगर उसको स्वीकृत कर लेता है तो दूसरे पक्षकार को उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एडमिटेड है। जो स्वीकृति जो न्यायालय के सामने जो है कोई भी पक्षकार जो है, एक पक्षकार अगर स्वीकृत कर लिया है तो वहाँ पर दूसरे पक्षकार को उसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऐसा तथ्य जिसको कि साबित करना कोई आवश्यक नहीं है, जो कि न्यायालय की कार्रवाई के दौरान जो है किसी दूसरे पक्षकार ने उसे क्या कर लिया है, स्वीकृत किया है, यानी कि एडमिटेड स्वीकार किया है, ऐसे पक्ष को, ऐसे मतलब फैक्ट को किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं ऐसे फैक्ट को जो है साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पक्ष एक प्रथम पक्ष का, जैसे सपोज करिए इसे समझाने के लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे कि कोई प्लेंटिफ जो है वो कोई वाद जो है दायर करता है, जमीनी सिविल केस है प्लेंटिफ में। अब यहाँ पर क्या है कि किसी जमीन का विवाद है, तो कोई जमीन का विवाद वो लेकर के न्यायालय के सामने में उपस्थित हुआ है, और यहाँ पर जब वो न्यायालय के सामने में जमीन के विवाद को लेकर के उपस्थित हुआ वहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में ये विवाद है, और ये जमीन के जो पार्टीज बनाए गए सेकेंड पार्टी को ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसका खाता खसरा नंबर यही है। ये सारी चीज़ें जो है उस वाद में जो है पहले से, उस सूट में जो है वो पहले से उस सूट में उस चीज़ को दर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो एडमिटेड कर लिया है कुछ कुछ फैक्ट्स को वो खुद, जिसको कि जो सेकेंड पार्टी है वो उसको उस चीज़ को क्या करना है कि प्रमाणित फैक्ट को प्रमाणित करने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि न्यायालय के सामने जो है स्वीकृत।
तो आप मूल रूप से तीन बातों को आप लोगों ने इसमें देखा। पहला जो मैंने फिर से बता देता हूँ इसको कि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं। सबसे पहले इसका टॉपिक ही वही है, चैप्टर थ्री का टॉपिक ही ऐसा है कि फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ऐसे तथ्य जिसको की क्या करना है, प्रमाणित नहीं करना है। तो कौन कौन, पहले तो पहला जो बोला गया कि फैक्ट जो ऐसे तथ्य होंगे जो कि न्यायालय के नोटिस के अनुसार से होंगे वो उसे आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वो न्यायालय यदि कोई जिसमें नोटिस दिया हुआ है उनके संज्ञान में ये मामला है तो वो न्यायालय स्वतः जो है वहाँ पर न्यायालय के विवेक में पहले से वो बातें, जैसे मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, यदि न्यायालय किसी तथ्य के बारे में जानकारी रखने के लिए बाध्य, कोई ऐसी जानकारी रखने के लिए क्या है बाध्य है, तो पक्षकारों को उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि उसका जो साबित करने का जो बोझ है वो पक्षकारों के ऊपर नहीं, ऐसे तथ्यों की जानकारी रखने के का जो कार्य है वो कौन करेगा, न्यायालय का कार्य है। उदाहरण के लिए ये है कि न्यायालय के पास जो देश की जो विधि है उसका ज्ञान जो है वो न्यायालय को खुद रखना है, उसके लिए वो प्रमाणित नहीं करेगा, पक्षकार जो है उसके जो होंगे वो उसे प्रमाणित नहीं करेंगे कि ये धाराएं हैं ऐसी है, इसको इस प्रकार से बताना है। और दूसरा मैं शॉर्ट में इसमें बता दूं कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि न्यायालय के नोटिस में हैं, उसमें कुल 13 जो है ना भाग बांटे गए हैं, जैसे कि भारत का क्षेत्राधिकार कितना है, इसका भौगोलिक स्थिति क्या है, कोई भी राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यरत व्यक्ति है उसका क्या कार्य, इस चीज़ को जो है प्रमाणित करने के लिए जो है हम बात ये नहीं है, ये न्यायालय को स्वतः ज्ञान में होना चाहिए। न्यायालय को उसे जो है राष्ट्रीय ध्वज को प्रमाणित करने की किसी आवश्यकता नहीं है, ये पक्षकारों की आवश्यकता नहीं है, ये न्यायालय को स्वतः ज्ञान में ये सब बातें होनी चाहिए। और तीसरा बताया मैंने कि तीसरा जो 58 सेक्शन है, यह 58 सेक्शन कहता है कि जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, जो मैंने बताया कि जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं वो न्यायालय के सामने में दूसरे पार्टी के सामने, जो फर्स्ट पार्टी अगर मान ली कुछ एडमिट करता है तो सेकेंड पार्टी को उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, या उसके जो अपोजिट पार्टी है उसको उस चीज़ को प्रमाणित, अगर मान ली वो एडमिट करता है स्वीकृत करता है तो दूसरे जो पक्षकार हैं उसे उस चीज़ को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते ये जो स्वीकृति जो उन्होंने किया है वो न्यायालय के सामने उसकी कार्रवाई के दौरान में ऐसी स्वीकृति हुई हो तो ही ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। न्यायालय के सामने में उसने वो एडमिट कर लिया है तो वहाँ पर उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें तीन चैप्टर थ्री जो है उसमें तीन सेक्शन हैं, तीनों सेक्शन को मैंने आपको समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है। चैप्टर थ्री जो है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें तीन सेक्शन कौन कौन से आते हैं, 56, 57 और 58, और तीनों सेक्शंस में एक कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसको कि प्रमाणित करने की आवश्यकता पक्षकार को नहीं होती है, उसमें जो पक्षकार होते हैं। इसका जो थर्ड दो टू तो न्यायालय के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन तीसरा जो आपका इसका जो 58 सेक्शन है उसमें एक पार्टी अगर कोई चीज़ को एडमिट करता है तो उसमें जो अपोजिट पार्टी होंगे उसको उस चीज़ को स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 3 समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें या इस वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए, और कमेंट के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से सीधे जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, और किसी अन्य वीडियो जो भी वीडियो आप चाह रहे हैं कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाएं तो मैं उसके लिए वीडियो बनाने का जो है कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।